नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूबर प्रिया आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। मैं आज आपके लोगों के लिए एक ये वीडियो लेके आई हूं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक सिंपल जो हैंकी हम यूज़ करते हैं और कोई कॉटन का कपड़ा, उससे हम मास्क कैसे बना सकते हैं खुद का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी कि क्या ये मास्क सच में इफ़ेक्टिव है, क्या ये वर्क करता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिनटों में बनके तैयार हो गया, लेकिन जितनी इजीली ये बना है क्या उतना इफेक्टिव है ये? तो मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। इस तरह के कोई भी हैंकी या क्लोथ के मास्क आप बिल्कुल भी गैदरिंग या भीड़भाड़ वाले जगह पे यूज़ ना करें, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के मास्क अवेलेबल हैं जो डिस्पोजेबल भी हैं, वॉशेबल भी हैं, तो प्लीज़ आप उन्हीं मास्क का इस्तेमाल करें, इस तरह के मास्क इस्तेमाल ना करें। ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी करते हैं, क्योंकि इनमें जो इलास्टिक लगी होती है वो यहाँ पे रैशेज आपको दे सकती है, कान के पास आपको हर्ट कर सकती है, बहुत देर तक ये कानों पे टिकी नहीं रह सकती है, नहीं रहती है, निकल जाती है। और जो नोज़ के पास का, चीक्स के और जॉ के पास का एरिया, यहाँ ओपन रह जाता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से हवा पास होती है, जो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इस टाइम पर। और इस टाइम पर सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी, तो प्लीज़ इस तरह की हैंकी और क्लोथ के मास्क इस्तेमाल ना करें। अच्छे से एक प्रॉपर मास्क इस्तेमाल करें जो COVID-19 के लिए स्पेशली बनाई गई है, तो प्लीज़ वही मार्केट से आप खरीद के वही इस्तेमाल करें। इस तरह के कोई भी जुगाड़ वाले मास्क आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपनी हेल्थ को आप लाइटली नहीं ले सकते हो, आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथों में है आप। तो प्लीज़ इस तरह के मास्क मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, आप अच्छी क्वालिटी के मास्क इस्तेमाल कीजिए और हर बार अपने हाथों को वॉश कीजिए, हमेशा धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं मास्क यूज़ करते हैं तो उसे धूप में, उसे वॉश करके धूप में ही सुखाइए, छाँव में बिल्कुल मत सुखाइए, क्योंकि धूप में वो जर्म्स नष्ट हो जाते हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना था, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिससे कि ये लोगों तक और इंफॉर्मेशन पहुँचे। बस मुझे इतना ही कहना था, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे कि मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, बाय बाय।